नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21T versus Tecno Pova 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21T में 6.46 इंच जबकि Pova 5G में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y21T में 2.99 इंच जबकि Pova 5G में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y21T में 0.31 इंच जबकि Pova 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y21T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21T में 6.58 इंचेस जबकि Pova 5G में 6.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21T में 1080x2408 और Pova 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21T में 83.76% जबकि Pova 5G में 83.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Pova 5G में 389 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21T में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Pova 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Pova 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21T में Adreno 610 जबकि Pova 5G में Mali-G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 और Pova 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21T में 4GB जबकि Pova 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21T में अप टू 1TB जबकि Pova 5G में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Y21T में 5000mAh जबकि Pova 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y21T में 2 कलर्स जबकि Pova 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21T 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Pova 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21T में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Pova 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 है, दूसरा माइक्रो मैक्स इन 1 है, तीसरा माइक्रो मैक्स इन 1 भी है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F62 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।